आज आज इस जगह में मुझे आपका तेरी तेरी चार मिले याद आ रहे हैं, जिसने अजमेर की लकड़ी को बसाया आया, वहीं से पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दी फना हुसैन सरदार अकार अस्तगर दस्त यदीन हक हक जाए रहा अस्त हुसैन है। ये हुसैन का आगा चाहने वाला था जिसने अजमेर की लकड़ी को बसाया आया और पूरी दुनिया को ये बताया आया कि हुसैन का इतना बड़ा बादशाह है। मैं आज के इस जुलूस में शिया सुन्नी हिंदू हमारे जितने भाई हैं आज इस जुलूस में शरीक हैं और इंशाअल्लाह आज से लेकर के 10 मुहर्रम तक इस गम में किसी मजहब की कैद नहीं रहे हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो या हिंदू हो या किसी और मसले और धर्म से ताल्लुक रखता हो। हर की जबान पर बकरीद लिखा होता है या हुसैन या हो रहे और या हुसैन है। पूरी दुनिया में हमने ये देखा है, कभी कभी होता यह है कि किसी मुल्क में किसी का गम मनाया जाए लेकिन दूसरे का गम वहां नहीं मनाया जाता। किसी एक मुल्क में कभी अगर किसी एक इंसान का तस्करा हो रहा है तो किसी दूसरे इंसान का तस्करा नहीं हो रहा, लेकिन ये मन हुसैन का सबसे बड़ा मौजूदा है। आप शहरों में चले जाएंगे हुसैन हुसैन मिलेगा, आप शहरों में चले जाएंगे हुसैन हुसैन मिलेगा, आप हिंदुस्तान का किसी जमीन के ऊपर चले जाएंगे वहाँ आपको हुसैन के चाहने वाले मिल जाएंगे। पाकिस्तान में कहीं चले जाइए आपको हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। यहाँ तक कोई मुल्क अगर ऐसा है कि जहाँ कलमा गो नहीं है वहाँ भी हुसैन के चाहने वाले हैं, और ये सब यह हुसैन का नारा लगा करके आज दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया देख ले कि ये जो हुसैन हुसैन कर रहे हैं ये यजीद के तरफदार नहीं है, हुसैन के तरफदार है। यकीन नहीं आज जब हम हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इससे हमारे जिस्म में गरीब गरीब जोश और गुलमुला पैदा होता है। ये हुसैन जो रसूल का नवासा था, ये हुसैन जो अली का शहजादा था, ये हुसैन जो फातिमा ज़हरा का रक्त जिगर था, जिसने नाना का दीन और नाना की शरीयत बचाने के लिए नबीरा सिर्फ इसलिए छोड़ा कि यजीद के हाथों के ऊपर हुसैन बैत नहीं करना चाहते थे, और जब सवाल बैत आया तो बस ज़हरा के लाल ने एक ही कतरा कहा था, नहीं अगर ये समझता है कि तेरी हुकूमत और तेरी ताकत और तेरी दौलत मुझे रोक लेगी तो जब तक हुसैन के दम में दम है हुसैन तेरी बैत नहीं करने वाला है। और उसके लिए हुसैन ने एक खुला ऐलान नबीने से ही कर दिया था कि नाना के दीन को बचाने के लिए मुझे अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़े तो मैं वतन छोड़ दूंगा। तो जतनाई नहीं तारीख बताती है कि जब वादा बिजली हो रहा था उस वक्त रसूल का नवासा ये कह रहा था कि नाना के दीन घबराना नहीं, अगर तुझे सर की जरूरत होगी तो हुसैन तेरी बारगाह में अपना सर पेश करेगा, अगर तुझे गले की जरूरत होगी तो मैं शशवाहे अली अकबर का गला दे दूंगा, अगर तुझे सीने की जरूरत होगी तो मैं अपने जवान अली अकबर का कलेजा दे दूंगा, एक खिलाफ अगर तुझे बाजुओं की जरूरत होगी तो मैं अपने अब्बास जैसे भाई के बाजू दे देंगे, एक खिलाफ अगर तुझे साय की जरूरत होगी तो मैं बहन जैनब उम्मा कुलथूम को हिदा दे दूंगा। लेकिन जो यजीद की मंशा थी, जो यजीद का इरादा था कि किसी सूरत से शरीयत मोहम्मदी को पामाल कर दिया जाए, हुसैन मदीने से तनहा खड़े हुए और कुछ लोगों को लेकर के मदीने से निकले, कर्बला की जमीन पे आ गए, कर्बला की धरती के ऊपर आ गए। आने के बाद उन्होंने नाना का दीन बचाया, नाना की शरीयत बचाई और पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर इंसान के सीने में धड़कता हुआ दिल है तो उस दिल में किसी की न किसी की मोहब्बत होनी चाहिए, किसी न किसी प्यार होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखने वाला इंसान जो हुसैन हुसैन करता है वो इसलिए हुसैन हुसैन नहीं करता है कि हमें दौलत दुनिया मिलती है, हमें तख्त और ताज मिलता है, बल्कि हर मजहब से कवाल होती है हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। ये हुसैन जिंदाबाद की आवाज सिर्फ इसलिए बुलंद होती है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए कर्बला के मैदान में कदम रखा था, नाना के दीन को बचाने के लिए कर्बला में कदम रखा था,
अपना नबी शरीयत को बचाने के लिए कदम रखना था। आज मैं होगा सामने अपना बड़ा मरना है, इसमें न जाने किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले इतने सारे ऐसे अपराध है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हें कुरान की मोहब्बत खेच करके यहाँ लाई है, किसका प्यार यहाँ तुम्हें खेच करके लाया है, तो तुम्हारी जबानों का बस एक टुकड़ा होगा। चूंकि हम चाहते रसूल इस्लाम को है, हमारे दिल में रहमतुल्लिल आलमीन की है, और ये हुसैन कोई दूसरा नहीं था, ये उसी रसूल का नवासा था, ये उसी रसूल का की गोदों का पैदा हुआ था। और इसने करबला के मैदान में आ जाके करबला के मैदान में आ जाके नाना का दीन बचाया, नाना की शरीयत बचाई। अजीबो, जो लोग हुसैन को मानते हैं, बस आखिरी जुमला कहता हूँ, जो लोग हुसैन को चाह मानते हैं, जो लोग हुसैन से प्यार करते हैं, जो लोग हुसैन से इश्क करते हैं, उनका सर कभी बाबू के आगे नहीं झुकता है, वो हमेशा हक की आवाज लेकर के खड़े होते हैं। और ये हक की आवाज इसलिए बुलंद रखते हैं क्योंकि दिल में रसूल और आले रसूल का इश्क होता है, दिल में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत होती है। ये सारा मजमा जो यहाँ के ऊपर खड़ा है, मैं सबकी हिमायत चाहता हूँ। इस नारे रहो, आज गोपालपुर की जमीन में एक ऐसा नारा लगना चाहिए जिसकी गूंज गूंज जालिमों के कलेजे तक न पहुंचे, बल्कि आसमान में परवाज करते हुए वहां पहुंचे जहां खुदा बन रहा है। और वो भी ये कहे फरिश्तों से कि देखो हुसैन के चाहने वाले आज जमीन में हुसैन का मातम कर रहे हैं, तो लो आओ हम मिलकर के सब मिलकर के नारा लगाते हैं। और इस नारे में सबकी शिरकत चाहता हूँ अजीजो, जो जो यहाँ के ऊपर जिंदा है, जो जो अपने पसीने में झड़पता हुआ दिल लगता है, मैं नारा लगाता हूँ कि यहाँ कितने लोग आए हैं, किस मजहब के होते हैं, जरूरत है अलग अलग इनकी झोलियां भर दे, इनको किसी का महाराज ना बना बना। और मेरे वाले मालिक, ये जो कर्द में जो कला है, जो परेशानियों में मुबतला है, सबकी मुसीबतें हुसैन के सबके में आसान कर दे, करबला वालों के सबके में आसान कर दे। आइए हजरत नवा शादी होने जा रही है, दो साल के बाद हमें ये मौका तो यहाँ जितने लोग आए हैं, किस मजहब से हैं, परवरदिगार आलम इनकी झोलियां भर दे, इनको किसी का मोहताज ना बना बना। और मेरे मालिक, ये जो कर्द में मुबतला है, जो परेशानियों में मुबतला है, सबकी मुसीबत आसान कर दे, करबला वालों के सबके में आसान कर दे।